चीन की बड़ी साजिश, दुनिया की करेगा जासूसी, सावधान, ड्रैगन सब देख रहा है। दोस्तों, ड्रैगन की धरती पर कब्जा करने की भूख बढ़ती जा रही है। इसके लिए वो तरह तरह के हथकंडे अपना रहा है। अपने इस मंसूबे को अंजाम देने के लिए चालबाज चीन ने फिर एक बार ऐसी चाल चली है जिससे पूरी दुनिया में दहशत है। जी हाँ दोस्तों, चीन ने इस बार कुछ ऐसा करने की योजना बनाई है जिससे विश्व के किसी भी कोने में आपकी हर हरकत पर उसकी नजर रहेगी। आखिर क्या है चीन का ये नया मकर जाल और वो किस तरह इसके जरिए दुनिया को अपने शिकंजे में कसना चाहता है, या यूं कहें भारत पर अपनी बादशाहत कायम करना चाहता है। लेकिन चाचा जिनपिंग शायद तो ये भूल रहा है कि तेरा पाला भारत से पड़ा है, जिसने अच्छे अच्छों को पाने पिला दिया है, फिर तेरी औकात ही क्या है। तो हमारे आगे चींटी है जिसे हम जब चाहे मसल देंगे और तू फड़फड़ा भी नहीं पाएगा। दोस्तों, चीन की साजिश की एक एक परत में खोलूंगा, आपको बताऊंगा कि आखिर चालबाज चीन की मंशा क्या है, किस तरह वो साजिशों का मकर जाल बन रहा है और दुनिया को अपना गुलाम बनाना चाह रहा है। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि चीन अंतरिक्ष में अपनी बादशाहत कायम करना चाहता है और इसके लिए वो तेजी से दौड़ रहा है। चीन के अंतरिक्ष उड़ान, बादशाहत कायम करने की होड़। दोस्तों, चीन के सरकारी मीडिया के मुताबिक बीजिंग इस साल स्पेस स्टेशन के दो अतिरिक्त मॉड्यूलों को लॉन्च करेगा। मेंगटियान और वेंटियान नाम के ये दोनों मॉड्यूल तिहाए कोर मॉड्यूल से जाकर मिलेंगे। इस समय तिहाए में 3 सदस्यों का एक दल है। इतने सारे लॉन्च से पता चलता है कि ड्रैगन के अंतरिक्ष में साजिश क्या है। दोस्तों, दरअसल सन की चीन अपने स्पेशल प्रोग्राम के जरिए अंतरिक्ष पर अपनी बादशाहत कायम करना चाहता है। अपने इस मिशन को अंजाम देने के लिए चीन चांद पर एक बेहद हैरतअंगेज मिशन की तैयारी कर रहा है। चीन ने इसके लिए अपने रोवर येतु 2 चांद पर भेजा है, जिसने चांद से कुछ ऐसी तस्वीरें भेजी हैं कि चीन की महत्वाकांक्षा उबाल मारने लगी है। दरअसल येतु 2 को चांद पर अधिक चिपचिपी मिट्टी और ज्यादा छोटी चट्टानों और क्रेटर मिले हैं। चंद्रमा के इस हिस्से की अभी तक किसी देश ने खोज नहीं की थी और न ही उसका कोई अंतरिक्षयान वहां पहुंच पाया था। इसका कारण यहां से पृथ्वी के बीच होने वाली संचार में कठिनाई है। लेकिन चीन ने इस कठिनाई को पार करते हुए 2019 में चांग-E4 मिशन के तहत येतु 2 रोवर की खोज के लिए इस सतह पर उतारा। हार्बिन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के लियांग डिंग और उनके सहयोगियों ने येतु 2 के चारों ओर घूमने की तकनीक, रडार और स्पेक्ट्रोमेट्री का इस्तेमाल करके जांच के आधार पर दूर के क्षेत्रों की मिट्टी की विशेषता और प्रकृति का अनुमान लगाया है। चीन के 2 मिशन चांद की सतह पर पहले ही मौजूद हैं। इसमें चेंग-E3 नाम का स्पेसक्राफ्ट 2013 में चांद की सतह पर पहुंचा था, जबकि जनवरी 2019 में चेंग-E4 चांद की सतह पर लैंडर और येतु 2 रोवर के साथ लैंड किया था। बताया जा रहा है कि ये मिशन अब भी एक्टिव है। सौर ऊर्जा से चलने वाले येतु 2 और चांग-E4 लैंडर ने 3 जनवरी 2019 को चंद्रमा के सबसे दूर लैंडिंग की थी। इसमें येतु 2 चंद्रमा पर 186 किलोमीटर में फैले वॉन कार्मन क्रेटर में छानबीन कर रहा है। दोस्तों, अंतरिक्ष कौतूहल से भरी खोज दुनिया के कई देशों के बीच वर्चस्व की लड़ाई में बदलती जा रही है। धरती पर मानव विकास के लिए अंतरिक्ष का इस्तेमाल करने की कोशिशें धरती के बाहर बड़े देशों के बीच प्रतिस्पर्धा में बदल गई है। अंतरिक्ष भविष्य के युद्ध क्षेत्र में तब्दील होता जा रहा है और इसमें अंतर्राष्ट्रीय मानकों की लगातार अनदेखी भी हो रही है। चीन नहीं मान रहा कोई कायदे कानून, मानकों की हो रही अनदेखी। दोस्तों, अपनी नापाक साजिश को अंजाम देने के लिए चीन ने सारे नियम कानून को ताक पर रख दिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और मानकों के मामले में चीन अपनी ही बीन बजाता है। आर्कटिक क्षेत्र हो या दक्षिण चीन सागर या फिर रियर अर्थ मेटल का ही मसला हो, चीन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के कानूनों और स्थापित मूल्यों में मीन मेख निकालकर अपना फायदा देखने में लगा है। इस श्रृंखला में एक नई कड़ी तब जुड़ी जब चीन के हैनान प्रांत से लॉन्च किया गया एक रॉकेट नियंत्रण से बाहर हो गया और उसके प्रक्षेपण का एक हिस्सा मलबे के रूप में पृथ्वी पर आ गिरा। मालदीव के बहुत करीब पश्चिम में हिंद महासागर में गिरे इस रॉकेट का पेलोड 22 टन वजनी था। हिंद महासागर में गिरा मलबा इसी रॉकेट के ऊपरी स्टेज का हिस्सा था। चीन के इस लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट के प्रक्षेपण का मकसद चीन के नए अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉड्यूल स्थापित करना था। आलोचकों का मानना है कि चीन का ये लॉन्च अन्य देशों के लॉन्च से अलग था, जहां अमेरिका जैसे देश अपने रॉकेट्स को लॉन्च होने के बाद अंतरिक्ष में जाकर पृथ्वी की कक्षा में वापस आने तक नियंत्रित रखते हैं या मलबे को अंतरिक्ष में ही छोड़ देते हैं। लेकिन चीन ऐसा नहीं करता। चीन रॉकेट की वापसी पर कोई पारदर्शिता नहीं रखता। चीन का गुनागरी सिर्फ इस पर आधारित था कि यदि धरती का 71% हिस्सा समुद्र ही है तो रॉकेट के मलबे के समुद्र में गिरने की संभावना भी
71% हुई। दोस्तों देखा आपने चीन किस तरह अपनी साजिशों को अंजाम देने के लिए अंतरिक्ष मानकों की अनदेखी कर रहा है। उसका नया मकर जाल भी इसी की एक नई कड़ी है, जिसके जरिए वो भारत और अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों के लिए खतरा बना हुआ है। दोस्तों मैं चीन की इस साजिश का पूरा ताना बाना आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि चीन की मंशा को देखते हुए अंतरिक्ष पर कब्जे की होड़ लग गई है। अंतरिक्ष पर कब्जे के लिए चंद दुनिया के कई देश होड़ में। दोस्तों चीन धरती के बाद अब चांद पर भी जमीन कब्जाने की प्लानिंग में जुटा हुआ है। इसके लिए चीन अपने पड़ोसी देश रूस की मदद से चांद पर एक स्पेस स्टेशन स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही स्टेशन बनकर तैयार होगा, उसके बाद से चीन के अंतरिक्ष यात्री लंबे समय तक वहां रहने लगेंगे। चांद पर चीन कई तरह के वैज्ञानिक प्रयोग करना चाहता है, जिससे वो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा से आगे रह सके। अभी तक नासा की मदद से चांद पर जाने वाले अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री केवल 10 घंटे तक ही उसकी सतह पर गुजार सकते हैं, जबकि चीन के अंतरिक्ष यात्री वहां स्थापित बेस में लंबे समय तक रह सकेंगे। ये एक रोबोटिक बेस होगा जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक चल भी सकता है। चीन के लूनर मिशन को डिजाइन करने वाले वैज्ञानिक वू वॉयरेन ने बताया कि हम इस दशक में चांद पर कई मिशन की प्लानिंग कर चुके हैं। इनमें चांद के दक्षिणी ध्रुव पर एक रोबोटिक बेस स्थापित करने की योजना भी शामिल है। भविष्य में अगर हम अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर भेजेंगे तो ये उनके रुकने के उपयोग में काम आएगा। चीन के इस शीर्ष अंतरिक्ष वैज्ञानिक ने यह भी कहा कि अगर हम चांद पर रिसर्च स्टेशन प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूरा कर लेते हैं तो मानव युक्त मिशन को लॉन्च करना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। हम कुछ ही महीनों के अंदर अपने अंतरिक्ष यात्रियों को चांद के सतह पर सुरक्षित रूप से उतार सकते हैं। चीन ने रूस के साथ मिलकर चांद पर एक इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन को स्थापित करने का समझौता भी किया है। हालांकि यह प्रोजेक्ट कब तक पूरा होगा इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई। चीन के बयान के मुताबिक ये स्टेशन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च फैसिलिटीज का कॉम्प्लेक्स होगा जो चांद के सतह पर उसकी कक्षा में होगा। ये मानव रहित और इंसानों के लायक हर तरह की क्षमताओं से लैस होगा। दोनों देशों ने अभी आपस में बांटी गई जिम्मेदारियों के बारे में नहीं बताया है। चीन की इन पुख्ता तैयारियों को देखते हुए अमेरिका ने भी अपनी दौड़ तेज कर दी है। नासा भी वर्ष 2028 तक चंद्रमा पर एक अड्डा बनाना चाहती है। नासा के एडमिनिस्ट्रेटर जिम ब्राइडेनस्टैटिन ने पिछले दिनों कहा था कि हम चांद पर इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि हम मानव के साथ मंगल ग्रह पर जाना चाहते हैं। अंतरिक्ष पर बस्ती बसाने की दौड़ में रूस, जापान और उत्तर कोरिया भी शामिल है। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी ने भी पिछले साल घोषणा की थी कि वर्ष 2040 तक वो चंद्रमा पर एक बस्ती बसाएगी। रूसी विज्ञान अकादमी के प्रमुख एलेक्जेंडर सेर्गेयेव ने कहा था कि प्राकृतिक संसाधनों के लिहाज से चंद्रमा बेहद महत्वपूर्ण है। जापान और दक्षिण कोरिया ने चंद्रमा के ध्रुवों पर अंतरिक्ष यान भेजने की योजना का ऐलान किया है। इनकी कोशिश चंद्रमा के प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करने की है। उधर यूरोपीय यूनियन चंद्रमा पर एक मून विलेज बनाना चाहती है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको चीन के उस नई साजिश के बारे में बताऊंगा जिसके जरिए वो हमारे ऊपर निगाह रख सकेगा, तो चलिए अब और देर नहीं करते हैं, आपको ड्रैगन के नए मकर जाल के बारे में बताता हूं। दुनिया की जासूसी करेगा चीन, मेगा कॉन्स्टेलेशन तैयार करने की तैयारी। दोस्तों चीन की इस नई योजना ने दुनिया में डर पैदा कर दिया है। दरअसल चीन पृथ्वी की निचली कक्षा में 13,000 सैटेलाइटों के जरिए मेगा कॉन्स्टेलेशन तैयार करने की योजना बना रहा है। यह नेटवर्क चीनी 5G मोबाइल इंटरनेट का विस्तार करने का हिस्सा कहा जा रहा है, लेकिन इस नेटवर्क के जरिए क्या कवर किया जाएगा इसे लेकर तस्वीर साफ नहीं है। इसके अलावा ये कैसे काम करेगा इस बारे में भी जानकारी नहीं है, जिससे दुनिया भर में चिंता का माहौल है। दोस्तों यहां आपको ये बता दूं कि मेगा कॉन्स्टेलेशन होता क्या है। मेगा कॉन्स्टेलेशन सैकड़ों से लेकर हजारों सैटेलाइटों से बना होता है जो पृथ्वी के सभी क्षेत्रों को कवर करने के लिए एक साथ काम करते हैं। ये सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं को मुहैया कराने के लिए ग्रह की सतह से कुछ 100 मील ऊपर ऑपरेशनल होते हैं। अमेरिका समेत देश के कई देशों को डर है कि चीन इसके जरिए उसकी जासूसी कर सकता है। हालांकि अपनी साजिश पर पर्दा डालने के लिए चीन ऐसी किसी संभावना से इनकार कर रहा है। चीन का कहना है कि उसकी ये योजना लोगों को 5G प्रदान करने के लिए है। चीन पहले ही पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को लॉन्च कर चुका है, जिसमें 2 गाओफेन शामिल है। चीन का दावा है कि समुद्री आपदाओं, समुद्री पर्यावरण और जल संरक्षण की निगरानी करने के लिए उसने इन उपग्रहों को लॉन्च किया है, लेकिन पश्चिमी देश इन्हें जासूसी उपग्रहों की कैटेगरी का बताते हैं। दोस्तों अगर चीन ये सोचता है कि अपने नए मकर जाल में वो भारत को फांस लेगा और उसकी निगरानी कर पाएगा तो ये उसकी बड़ी भूल होगी, क्योंकि भारत उसका बाप है और उसकी हर चाल को विफल करना जानता है। पीएम मोदी की अंतरिक्ष नीति इसी की देन है, जिसके जरिए भारत एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है और विश्व के अग्रणी देशों में शामिल हो रहा है। दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।